हूं आपके साथ यशि शुक्ला और आपको भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज 11 बजे इंदौर में इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ करेंगे सीएम कमलनाथ, करेंगे इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ। आपको बता दें कि 1 अरब से ज्यादा के निवेश होने की होगी घोषणा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ करेंगे सीएम कमलनाथ, कमलनाथ के साथ 11 उद्योगपति होंगे शामिल, बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे सीएम कमलनाथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय हमारे साथ जुड़े हैं। जय, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टर समिट पे क्या कुछ कितने विकास होने की संभावनाएं हैं। मैं अपने के न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ की ये पहली सरकार है जो इन्वेस्टर मीट करने जा रही है, और ये इन्वेस्टर मीट इंदौर में बड़े उत्साह के साथ होने जा रही है। और इस इन्वेस्टर मीट में लगभग 900 से अधिक उद्योगपति शामिल हुए हैं, जिसमें देश के लगभग 800 प्रतिनिधि हैं और 100 प्रतिनिधि जो है विदेशों से भी आए हैं, 5 देशों में जिनमें जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर है, ये देश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। और लगभग 101 अरब से अधिक की संपत्ति का यहाँ निवेश होने वाला है, और आज बड़े बड़े घोषणाएं यहाँ की जाएंगी। और कमलनाथ के साथ 11 बजे मंच पर देश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, जिनमें टाटा है, बिड़ला है, डालमिया है, अंबानी है, अडानी है, बजाज है, और सीमेंट उद्योग के कई उद्योगपति हैं। इनमें से चुने हुए 11 प्रतिनिधियों के साथ कमलनाथ बैठेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश में पहली बार जो उद्योगपति समिट में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सभी मंत्री इन उद्योगपतियों के साथ दोपहर लंच करेंगे, और ये लंच खुद अधिकारी इनको कराएंगे। इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार में जब शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो लगभग 12 इन्वेस्टर मीट हुई थी, अरबों रुपए इन्वेस्टर मीट में खत्म किए गए थे, लेकिन एक भी इन्वेस्टर मीट की सफलता सरकार को या जनता को नहीं मिली। पर अब चूंकि कमलनाथ खुद एक बड़े उद्योगपति हैं और इनके बहुत सारे उद्योगपतियों से देश विदेश में संपर्क है, जिनका फायदा कमलनाथ को और कांग्रेस सरकार को मिलने वाला है, तो निश्चित ही लगभग 1 अरब से अधिक के उद्योग शीघ्र ही मध्य प्रदेश में शुरू होने की संभावना है, जिससे लगभग 2 करोड़ से अधिक युवाओं को, शिक्षित और अशिक्षित युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। जी जय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां पर इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे सीएम कमलनाथ। आपको बता दें कि 11 उद्योगपति मुख्य रूप से इसमें शामिल होंगे, 1 अरब से ज्यादा के निवेश होने की घोषणा होगी।